मामला जिला झांसी के कोतवाली गरौठा अंतर्गत आने वाले ग्राम निपान का है, जहां के निवासी अशोक कुमार ने कोतवाली गरौठा में लिखित शिकायत पत्र देते हुए बताया कि 28 अप्रैल 2023 को दोपहर 12 बजे के लगभग उसकी नाबालिग पुत्री, जिसकी उम्र 15 वर्ष है, बकरियां चरा रही थी। तभी गांव का ही एक व्यक्ति देवी दीन पुत्र देवजू के द्वारा पीछे से आकर उसे पकड़ लिया तथा उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। नाबालिग द्वारा शोर मचाने पर गांव लोग दौड़ पड़े, जिसके बाद देवीदीन जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़ित नाबालिग का पिता बाहर रहकर मजदूरी करता है, इस वजह से नाबालिग बच्ची डरी और सहमी हुई रहने लगी। जब इसकी जानकारी उसके पिता को हुई तो उसने आकर 7 मई 2023 को कोतवाली गरौठा में लिखित प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की तथा न्याय की गुहार लगाई, परंतु कई दिन बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही न होने पर पीड़ित अपनी नाबालिग बच्ची को लेकर न्याय के लिए दर दर भटकते हुए मीडिया के सामने आया। फिलहाल ये मामला गरौठा पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोप कहां तक सत्य हैं, इसकी गरौठा पुलिस को निष्पक्ष रूप से जांच करना चाहिए और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए। कहां के निवासी हो? निपान के। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारी बहन वहां चोरी चराने गई थी, पाछे से दीदी दिन आया, उसने मुझे पकड़ लिया और सीना दब दिया। तभी वो आया भूप्पू चाचा, उसने ललकारा, वो घर चला गया और दीदी दिन बब्बा ने उसने कहा कि घर मत बताना, नहीं तो घर बताओगी तो मैं मार डालूंगी। कुलज्जा से कहा। कहाँ के निवासी हो? नेपाल। क्या घटना हुई आपकी बच्ची के साथ? बच्ची के साथ कोनो बहुत घटना हुई, बच्ची ने फोन करा हमको, हम आते बाहर तो दो दिन बैठे रहे, पैसे ऐसे नहीं मिले थे, दो दिन ऐसे में निकल गए। फिर हम घर आए, बच्ची घरवा ले आए हैं, तो कानून एप्लीकेशन दब लग कर तो क्या 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 कहा था? दो चार दिन में कार्रवाई कार्रवाई कर